जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने तो A4 शीट्स है, एक A4 शीट्स को मैंने एग्जाम बोर्ड में मास्किंग टेप से चिपका दिया है। एंड यहाँ पे आप स्केच पेन देख रहे होंगे। सो आज हम लोग करवाने वाले हैं कॉम्पिटिशन बिटवीन डॉम्स स्केच पेन एंड थ्री स्टिक्स स्केच पेन। ये 13 आते हैं, ये 12 आते हैं। इसमें इन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि इसमें सी ग्रीन कलर मिलता है और एक कि इसमें स्किन कलर होता है और इसमें लेमन येलो और क्रोम येलो, यानी कि दो येलो होते हैं। तो सबसे पहले जो कलर जिस सेट में नहीं है हम वो कलर निकाल देंगे। तो ये सारे कलर्स एक्स्ट्रा है जो कि दोनों सेट में से कि एक में है और एक में नहीं है। तो इन दोनों से कौन सा, ये दोनों शेड यानी कि तो ये है एक्स्ट्रा कलर्स, ठीक है। क्योंकि इसमें स्किन है, इसमें ये वाला येलो है, सी ग्रीन इसमें नहीं है और ये तीन कलर्स मैंने ख़त्म हो गए। सो मैं एक सिंपल सी ड्राइंग बनाऊँगा, अलग अलग बनाऊँगा लेकिन कलर करेंगे दोनों को, ठीक है। एंड फिर हम लोग देखेंगे कौन सा अच्छा है। सो मैं आपको ड्राइंग करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यह मैं सिंपल सी ड्राइंग बनाई है। एंड मैंने ना एक मुझे ना एक आइडिया आया कि क्यों ना सारे कलर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि इसके सारे शेड्स और इसके सारे शेड्स। तो इस वाले ड्राइंग को तो मैं कलर करूँगा डॉम से। तो पहले इसको कलर करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, सो फाइनली फ्रेंड्स मैंने इसे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की मेहनत के बाद पेस्ट कर लिया है। एंड इस ये वाले आइडिया तो मम्मी ने दिया था, थैंक्स टू मम्मी। एंड पहले कैमरा ही उन्होंने ही पकड़ा था। सो एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रेयोंस का यूज़ किया था क्लाउड में एंड ये कच्चे रास्ते में, एज यू नो स्किन कलर होता नहीं है और इस है ना। तो अभी मास्किंग टेप को रिमूव करते हैं, देखते हैं कैसा आउटकम है, देखते हैं। सच में अच्छा दिख रहा है, मैंने कभी मास्किंग टेप इससे पहले यूज़ किया नहीं था। इसे कहीं स्टैंड कर देता हूँ फ़ोन को। इंक ना ख़त्म हो जाए, मेरे पास इतना ही मास्किंग टेप बचा हुआ है। तो मैंने बहुत से क्राफ्ट में यूज़ किया था स्कूल के लिए, उनकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जल्दी। सॉरी इतने दिन लेट हो गया कि मैंने एग्ज़ाम चले थे। एंड इवन अभी कुछ पिछले हफ्ते थर्सडे को लास्ट एग्ज़ाम था मेरा। ओहो क्यों थोड़ा सा पेपर फील ऑफ हो गया, तो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं वापस करता। देखो मेड यूजिंग डॉम्स स्केच पेन, ये इतनी अच्छी कूल दिख रही है। इसे तो मैं अपने रूम के वॉल्स पे ज़रूर स्टिक करूँगा, लाइक द अदर वाटर कलर पेंटिंग्स आई स्टिक। और रियली ग्रेट लग रहा है। सो स्टार पॉइंट मिल तो जाता है अभी डॉम्स को, पर देखते क्या फ्रूट स्टिक्स यानी कि स्टिक कलर स्टिक्स जीत पाती है प्राइस। तो आपको ड्राइंग के साथ मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स ये रही वो ड्राइंग जिसको मैं इन स्केच पेन की हेल्प से कलर करने वाला हूँ। सो यहाँ मैंने एक विंडी डे पे रिवर साइड हाउस का एक सीनरी बनाया है, जहाँ पे आप बुशेज देख सकते हो, हवा के कारण थोड़ी इस और इस डायरेक्शन में हो रही है एंड ट्री भी। एंड यहाँ पे जो स्मोक निकल रहा है हाउस की चिमनी से वो भी उस तरफ हो रहा है। एंड यहाँ थ्री बर्ड्स उधर जा रही है एंड यहाँ पे एक ओपन विंडो है। एंड यहाँ पे हम वॉल का कलर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट आफ्टर कलरिंग। सो बूम फ्रेंड्स ये मैंने वो वाली ड्राइंग मैंने बनाई है। एंड फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ी इंक कम थी तो उसका फॉल्ट में हम नहीं दे सकते, और इंक थोड़ी कम थी ना इसलिए मैंने थोड़ा वाटर मिला के भी यूज़ किया।
लेकिन जो भी कहो ना, कलर स्टिक्स की ना फ्रेग्रेंस अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स, इसका भी थोड़ा सा पेपर पील ऑफ हो गया। मास्किंग टेप पे कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखो फ्रेंड्स, कौन देखो, अब मैं रैंकिंग, वैसे दोनों ड्राइंग्स अच्छी है। सो मैं थोड़ी शेडिंग पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि ब्लैक स्केच पेन नहीं था, एंड प्लस इस ड्राइंग में ना शेड देना ज़रूरी था क्योंकि विंडिश टाइप था इसलिए। एंड फ्रेंड्स देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दिया इसमें। सो फ्रेंड्स, विच इज़ बेटर, बेस्ट? आई मीन देखो, कलरिंग तो दोनों में अच्छी है, और देखो ड्राइंग कौन सी अच्छी है वो पूछ रहा हूँ। ये मत बोलना कि स्केच पेन कौन सा अच्छा है ड्राइंग। देखो भाई फ्रेंड्स, अब जिसको जिसने ये वाले यूज़ किए होंगे उनको पता होगा कि ये स्केच पेन भी अच्छा है और ये वाले भी अच्छे हैं, ठीक है। सो अब ड्राइंग बताओ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी बनाई है मैंने, एंड अभी कैमरा मैंने होल्ड किया है। सो ओके, एंड नाउ देखो मैं रैंकिंग करता हूँ, ठीक है। सो देखो, अगर शेड देखो तो दोनों के इक्वल है, यानी कि दोनों को 1-1 मार्क मिलता है। 5 कॉम्पिटिटिव राउंड्स करते हैं, 5 के साथ, ठीक है। तो 1 में तो दोनों को मिलता है, ठीक है। बाकी कलरिंग में ज़्यादा अच्छा, देखो यार अभी मैं कहूँ ना तो दोनों को हाफ, इसको फुल एंड इसको हाफ मिलना चाहिए। कॉज देखो, कुछ कुछ कलर्स में ना इसमें लाइट शेड है, एंड कुछ कुछ में इसमें ना बहुत डार्क शेड है, दैट्स व्हाई। तो इसके 2 एंड इसके 1.5। एंड अब ना एक और चीज़ टेस्ट करनी है, देखो इसके पीछे ना थोड़े से मार्क्स बन गए स्केच पेन के, आपको थोड़े कम ही दिख रहे होंगे वीडियो में, पर इन लाइव बहुत सारे निशान बन गए। सो इसका पॉइंट तो इसको जाते हैं, यानी कि इसके पास 2.5 है, इसके पास 5 है। अब देखते हैं कि 5 पॉइंट्स को खत्म करता है, यानी कि 3 राउंड्स हो चुके हैं एंड 2 राउंड्स हुआ। सो नाउ लेट्स देखते हैं कि कलर मिक्सिंग में, मतलब कि कौन मिक्सिंग को ज़्यादा रेसिस्ट करता है। तो इस मामले में तो इसी को पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसमें देखो कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो गए, मतलब इसमें इंक का भी फॉल्ट है। तो इसमें तो भाई मैं दोनों को हाफ हाफ दे रहा हूँ, यानी कि इसके अभी कितने पॉइंट्स हो गए, हो गए 3, एंड इसके हो गए 2.5, ठीक है। सो 3 एंड 2.5, एंड अभी लास्ट राउंड है जैसे। सो इसमें कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखो अब कॉम्पोजिशन में तो दोनों ठीक है, एंड एक लास्ट राउंड मैं ऐड करना चाहूँगा कॉम्पोजिशन के साथ ही, यानी पॉइंट साथ में दिया करो फ्रेंड्स। देखो इसमें देखो इंक का तो मैं दोनों में मानता हूँ, इसमें भी थोड़ी कम होने लग गई थी, ठीक है। बट यार देखो इंक अगर दोनों में बराबर थी क्योंकि, ठीक है, कुछ कुछ कैसे से। देखो इस मामले में ना, देखो ये इसमें ना रॉम्स में कलर अच्छे ब्लेंड हो जाते हैं, कलर स्टिक्स में भी होते हैं, बट थोड़े बहुत ना साइड साइड में रह जाते हैं, जबकि डॉम्स में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। उस मेरी फिंगर जाम हो गई थी ना। सो देखो, यानी कि इसका 1 पॉइंट तो इसको मिलता है, यानी कि दोनों 4, इसके कितने 4, इसके कितने 2.5, यानी कि 1, यानी कि 3.5 और इसके 4, हाफ मार्क्स से कलर स्टिक्स जीतते हैं। सो देखो, ये नहीं बोलो मैं कि ये बुरा ही अच्छा है, दोनों अच्छा है, यूज़ एवरीवन। एंड ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने अपने ओपिनियन पे बनाई है, एंड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दोनों स्केच पेन अच्छे हैं। सिर्फ मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, 30% है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन से स्केच पेन अच्छे हैं। ओके, सो एंड कमेंट करना कि दोनों में से कौन सी ड्राइंग अच्छी है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्केच पेन अच्छा है। एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो। बाय।